ऐसे भाई चाहते कैसा हो भाई, पैसा ये कैसा चाहते हो? एक मन पत्नी से एक मन के साथ रहना चाहिए। चाहते हैं ऐसा? किसी की आर्थिक स्थिति ऐसी आर्थिक स्थिति एक मिनट थोड़ा सा दो दो बात कर रहे हैं तो थोड़ा आवाज को सही हम कर रहे हैं। किसी की आर्थिक स्थिति थोड़ी कम है और वो पत्नी को अपनी पगार और उसके पास आके देता है और हर स्त्री का स्वभाव होता है कि वो बाजार में गई और सब सार है तो उसे मतलब अवस्था बन जाती है घर में और पति खर्च करने में थोड़ा सा उसकी खोज करता है, वो भविष्य में सोचता है कि तुझे ये करना चाहिए, लेकिन पत्नी ऐसा नहीं सोचती, उसकी ये सकता है कि मैं औरों से अच्छी देखूँ और ये खर्च कर दूँ बस। किसके लिए और दूसरी बात शर्मा जी, अपन अपने अंदर जाते हैं कि हमारी माओ ने, देखिए इसका तरीका है जानते जी, आपकी माँ ने जितनी भी शॉपिंग की अपनी ताजगी में, वो आपके घर में रखने के लिए ली के घर से बाहर फेंकने के लिए? ये गड़बड़ अपनी ये है, जब हम अपनी माँ के बारे में कुछ सोचते हैं तो ऐसा बोलते हैं और वाइफ के बारे में बोलते हैं तो कुछ और बोलते हैं। अब आपकी वाइफ ने जो शॉपिंग कर रही है, आपके बेटे से मैं पूछूं कि वो किसके लिए कर रही है? सिर्फ एक कॉस्मेटिक्स का जो 5%, 2%, 4% मामला है, वो आपको लगता है कि स्वयं को सुंदर दिखने के लिए करती है, लेकिन किसके लिए करती है? आपको सुंदर दिखे, लेकिन जांच कीजिए। क्या तरीका बताया मैंने? हमारी माँ ने जितना सामान आज तक जिंदगी में, मतलब ये इंट्रोस्पेक्शन की बात है, जितना सामान खरीदा है वो हमारे घर में रखा हुआ जी। अब जो समझदारी पूर्वक खरीदा है वो यूज भी हो रहा है, जो समझदारी पूर्वक भी खरीदा वो रखा हुआ है, ठीक। अब आपकी वाइफ शॉपिंग कर रहे हैं, ठीक है, तो आपके बच्चे से पूछो आप उसका क्या कह रहे हैं, ये वेस्टफुल है कि यूजफुल? क्योंकि वो ऐसा क्यों बोलता है यूजफुल है? क्योंकि वो उसकी माँ है। अभी जो झगड़ा है, जो आपका सवाल है, आपका सवाल है जैसा हम चाहते हैं संबंधों को वैसे संबंध नहीं है। चाहता कौन है? जीवन, उसकी सहज स्थिति, ये संबंध ऐसे होने चाहिए, वो वैसे नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि ये समझदारी पे बेस्ड नहीं है, हम कुछ अज्यूम किए बैठे। जैसे एक और एग्जाम्पल देता हूँ, अपने एक मान्यता है, इसको जांच कीजिए, वो जो प्रोसेस मैंने बताया था कि भाई औरत का दिमाग घुटने में होता है, समझ गए? हंसने की बात बुद्धि पर से बुद्धि, हाँ बुद्धि ऐसे बोलते हैं। तो मैंने इसको पूछे यही सवाल कि आपके माता जी का दिमाग कहाँ है? मैं कहूँ यहाँ फटक से, माता जी औरत नहीं है क्या? ठीक है, इनके बारे में पूछे क्या पता है घुटने में होगा, ठीक है। अभी इनसे पूछिए इनकी माता जी का दिमाग क्या है, ये जानिए। इससे पूछो इसकी गर्लफ्रेंड का दिमाग क्या है, बोले उसको और दीजिए। स्वयं विक्षेप में क्या निकला? औरतों का दिमाग हमने कहा, या तो ये कहिए माँ का दिमाग क्या होता है, बाकी सबका कहीं होता है, ठीक है। जब अपन अपने पे काबू करें, इंट्रोस्पेक्ट करें, तब अपने को पता लगता है कि हमारी स्थिति क्या है। ये एग्जाम्पल बता दिया मैंने दो पीढ़ियों में, इसमें भी और थोड़ा माइनोरिटी देखिए कि जैसे जैसे वैल्यूज गिरी है, आप अपनी दादी का जो लाया हुआ सामान है उसके बारे में क्या सोचो कि ये मेरी माँ से भी ज़्यादा यूजफुल शॉपिंग की होती। और दादी की और बात करते हैं, ठीक है, जैसे परदादी का चरखा पड़ा हुआ है, उन्हें किसी काम नहीं आता, घर में पड़ा हुआ, ठीक है। तो इसी कह रहे हैं कि घर आपके दादाजी ने घर छोड़ के आ गए, हाँ जी, 30-40 साल हो गए, आप उस गांव से निकलते हैं, कोई बताता है आपका दादाजी का घर है, उसको जरूर देखते हैं, आपको उसमें रहना नहीं, कुछ नहीं करना, आपका है भी नहीं, आपका बचा हुआ भी नहीं, किसी और ने खरीद दिया, लेकिन आपको इसको देखने का भी शौक मिलता है। मैंने इस शौक को कोई
कोई भी इस प्रलोभन को रोक नहीं पाता। अब जैसे मूल आपका तो सवाल था ना, जैसे वाइफ वाइफ जो है ओवर एक्सपेक्टेशन, आप इसको भी जांच कर लीजिए, बाजार में खड़े हो जाइए, कहीं भी बस स्टैंड पर खड़े हो जाइए, कोई महिला 100 रुपये लेके गई थी या 1000 रुपये लेके गई थी, उसका बैग चेक कीजिए, उसमें कौन सी चीज आपके परिवार में काम नहीं आने वाली है वो मेरे को बताइए। और महिलाएं अपने को 1000 रुपये दे दे और अपना बैग चेक करें, पहली बात तो अपना बैग में नहीं पावे, सच्ची बता रहा हूँ ना, आप इसकी जांच कीजिए, ठीक है, या कुछ और मिलेगा, ठीक है। अब इसमें आप थोड़ा सा ये कर लेते हो कि जैसे अपने जो नॉर्मल है ना, अब जैसे आप शॉपिंग करने जाओगे तो आपकी शॉपिंग का सामान कुछ अलग, या तो आप गुड़ की बोरी लेके आते हो, या खड़ की बोरी लेके आते हो, या कोई बीज लेके आते हो, या कोई बुक्स लेके आते हो, ऐसी चीजें उसमें बताइए आपके पारिवारिक सदस्यों के यूज होने वाली कौन सी चीज़ है डायरेक्टली, इसका मूल्यांकन करना पड़ेगा। अच्छा, वो भी अगर कुछ गड़बड़ कर रही है औरतें भी आज के दिन, तो वो कौन सी समझदार है, आपने उनको समझदार मान लिया? जैसे समझ का लेवल मेरे जीवन का है वैसे मेरी वाइफ के उसका है, मैं गलती कर सकता हूँ, ये नहीं कर सकता, कर सकती। तो इसमें ये मानना कि ये गलती कर रही है, मैं कभी गलती नहीं करता, ये इस लेवल पर मैं कहना चाह रहा हूँ, आप समझ नहीं रहे हो। जैसे वो अलमीरा होती है मेरा प्रश्न नहीं समझ पाएगी, मैं पूछ क्या रहा था, मैं वो कहना चाहता था, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं आपको समझा रहा, मेरा प्रश्न वो था जैसे वो अलमीरा होती है, मेरा उसमें एक डंडा लगा होता है जिसमें स्त्रियां वो कंगन वगैरह डालती है और वो पूरा कंप्लीट भरा होता है, फिर भी उसके अंदर होती है, मैं कुछ और लेके आऊँ, फिर उनसे पूछे अपने डाल लिए, मेरे को इनको देखने में मजा आ रहा है बस। वो तो पैसे आपको ना, नहीं नहीं सर, आप फिर आप अलग सारे हो, आप फिर अलग सारे हो सर, मतलब उनका कहने पर गया नहीं पहनना नहीं, मेरे को इनको देखने में मजा आ रहा है बस, और फिर और वो लेके आती है कि तू मेरे को मजबूर कर रहा है, यहीं पड़े जब मैं पहनती हूँ तो इसको थोड़ा अप्रिशिएट कर। चलिए थोड़ा सा और थोड़ी सीरियस बातों की तरफ जाते हैं। ओके, आपका एक प्रश्न ये था कि स्त्रियां ज्यादा खर्च करती हैं ना, ऐसा हमारी मान्यता, क्या होता है यदि हम उनके साथ ट्रांसपेरेंसी से जीते, उनको यदि ये साफ पता हो कि हमारी आमदनी क्या है ना, उसके बाद ये प्रवृत्ति कम हो जाती है, धीरे धीरे खत्म हो जाती है। जैसे आप पूरी सैलरी जो है अपनी पत्नी को दे दी, एक आध महीने ऐसा हो सकता है कि आप संकट में आ जाओगे, है ना, वो अपनी आवश्यकता की चीज़ें जिसको वो मानती खरीद लाएगी, फिर आप कहेंगे आप दूध के लिए पैसे ही नहीं है, इसके लिए पैसा ही नहीं है, तो वो कहेगी ठीक है अगले महीने आपकी सैलरी आप देना, हम सब ठीक कर लें। उसको ये विश्वास रहता पति को छुपाता है मेरे से, एक ये जो बात है, आप देखे देखे आप जितनी बचत नहीं कर सकते उससे ज्यादा स्त्री बचत कर सकती है, ये स्त्रियों की नैसर्गिक प्रवृत्ति है। अभी कितनी भी खर्च करने वाली स्त्री होगी उसमें ये बात है, क्योंकि वो घर में रहती, घर का पूरा मैनेजमेंट जो है स्त्रियों को आता है, पुरुषों को नहीं आता। मैं जब भी अकेला रहता हूँ मेरा सब कुछ अस्त व्यस्त हो जाता है, कपड़े लत्ते खाना पीना सोना उठना नहाना सब अस्त व्यस्त हो जाता है। हम लोग पुरुष जो है ना वो परिवार व्यवस्था में जीने का अभ्यास नहीं है, स्त्रियाँ अभ्यास होती हैं, ये परंपरा से अभी जो थोड़ी बहुत जो नौकरियों में आने लगी हैं ना उनमें थोड़ा बहुत ये प्रवृत्ति दिख सकती है, लेकिन फिर भी नौकरी करने वाली स्त्रियाँ भी जैसे पति पत्नी जो है दो लोग नौकरी करते हैं ना साथ में, तो पत्नी जब घर जाती है ना तो तुरंत खाना बनाने लगती, चाय बनाने लगती, ये देखने लगती, सामान जमाने, सर वही कार्य ज्यादा क्या करता है
पुरुष क्या करता है और पैसे ज्यादा कमाए तो कहते हैं उसकी तकलीफ होती है और काम ज्यादा करे तो कोई तकलीफ नहीं है पुरुष को। ये किसी ये व्यवहार का दुख है, किसी किसी नासमझी से निकालना है ना, पति को भी निकालना है, पत्नी को भी निकालना है। मैं तो ये कह रहा हूँ कि आप इसको पहचानिए कि जो पति पत्नी संबंध का सुख कहाँ पर है ना। वो मैं ये कह रहा हूँ कि जब एक दूसरे के प्रति कोई पारदर्शिता बनी रहती है पूरी तरह से, है ना, उस स्थिति में पति पत्नी संबंध का सुख रहता है। थोड़ी भी पारदर्शिता में कमी आती है, यानी पति को छिपाता है पत्नी को छिपाती है, उस दरार सारे संबंध, और ये दरार तो कोई बढ़ाती इससे सुख नहीं पड़ता। ठीक है, अब जो बात वो कह रहे थे भाई साहब कह रहे थे कि जैसे आपने कहा कि वो काय में खर्च करती है, कॉस्मेटिक्स में इसमें उसमें खर्च करती है ना, ये मेरे ख्याल से ठीक ही है। ये आपका आप किसी स्त्री की कॉस्मेटिक्स की तारीफ कर दीजिए, आप देखना कुछ दिनों में वो कर बंद कर देगी, उसको ये समझ में आ जाएगा कि ये हमारी तरफ ध्यान देने लगे। क्या होता है कि पुरुष ध्यान नहीं देता है ना, इसके लिए वो कई प्रकार के प्रपंच करते हैं। पुरुष भी यही करता है, पुरुष भी यही करता है। आप इसको बहुत माइन्यूटली आदर कर लेना, आप जो भी कुछ करते हो अपनी तरफ लोगों का ध्यान आकर्षित कराना चाहते, स्त्री भी यही करती। संबंध में हम लोगों के जो मुंह है, मन के जो मुंह है, एक दूसरे के सामने रहते हैं। संबंध में ऐसे संबंध नहीं रहता तो ऐसे रहते हैं। तो जब एक दूसरे के विरोध में रहते हैं ना, एक दूसरे के विमुख रहते हैं, उसी स्थिति में हम लोग एक दूसरे को हमारी तरफ ध्यान दें लोग, इसलिए हम बहुत सारे प्रपंच रहते हैं। कोई बाल कटा लेगा, कोई बढ़ा लेगा, कोई कुछ कर लेगा, ये सब चलता रहता है। अभी देख लीजिए जो बच्चों को उपेक्षा झेलना पड़ती है ना, जिनके माता पिता ध्यान नहीं देते, जिनका समाज बच्चों पे ध्यान नहीं देता, फिर बच्चे ऊटपटांग चीजें करते हैं, कैसे भी लोग हमारी तरफ देखें। ये छोटे बच्चे में भी रहता है, छोटा बच्चा भी उसकी तरफ ध्यान दे दे। आप एक बात गौर करते हैं, इनके यहाँ छोटे बच्चे होते हैं, जब घर में कोई मेहमान आता है जब वो ज्यादा उधम करते, क्यों करते? अच्छा, अगर मेहमान जो है वो उससे बात बात करने लगे, थोड़ा देखने लगे उसकी तरफ, है ना, वो दो तीन दिन देखने लगे, दो तीन दिन आए देखने लगे, फिर वो उधम बंद करते, उनको विश्वास हो जाता है हमको जानते हैं देख लिया है। यही समाज में होता है। मैं आपको, मैं सागर का रहने वाला हूँ, बुंदेलखंड है, बुंदेलखंड में लोग जो है थोड़ा जल्दी आवेश में आने वाली प्रवृत्ति है बुंदेलखंड। तो जैसे आप कार लेके जा रहे हैं, है ना, और आपने हॉर्न दिया, अब वो सामने चले जा रहे हैं भाई साहब, वैसे आप हॉर्न बजा रहे हो हटेंगे, फिर आपने कुछ बोल दिया तो हट जाए, हटने के बाद कहेंगे काय पहचान नहीं रहे तुम। सारा जो गुस्सा है ना आदमी का, इसी बात का है कि आप हमारे अस्तित्व को स्वीकार नहीं करो, आप उसके अस्तित्व को स्वीकार करो, उसकी सारी खुराफात खत्म हो जाए। एक दूसरे का ध्यान ना रखने रखने की जो प्रवृत्ति होती है ना, जब हम रिलेशनशिप में एक दूसरे का ध्यान नहीं रखते, एक दूसरे की तरफ ध्यान नहीं देते, एक दूसरे की संभाल नहीं करते, तो उसमें शुरू में क्या होता है कि रिलेशनशिप को बनाए रखने के लिए लोग कोशिश करते हैं, है ना, स्त्री पुरुष दोनों में रहता है। स्त्री भी कोशिश करती है कि कैसे भी हमारी तरफ ध्यान दे, तो यदि ये ध्यान देना होता है, एक दूसरे को संभालना होता है, एक दूसरे
एक दूसरे को हम पूछते हैं तो रिलेशनशिप में अच्छा लगने लगता है। जो खराब लगना है उसका मतलब यही है कि एक संबंधों में उदासीनता है, तटस्थता है, पलायन है, उपेक्षा है, ये भावना है। यदि उपेक्षा नहीं होती है ना, या अपारदर्शिता है, अपारदर्शिता का मतलब हम एक रिलेशनशिप में कुछ एक बात तो बहुत ज्यादा लिया है। लेकिन दोनों ही बातें कुछ लोगों में बन जाती है।
ऐसे लोगों में जिनमें भीख मांगने की प्रवृत्ति बनी रहती है ना, उनकी आवश्यकता नहीं रहती भीख मांगना, उनके अंदर विरोध भाव रहता है समाज के प्रति। वो कहते हैं कुछ लोगों ने लूट लिया है, हमारे हिस्से का ले लिया है, अब उनसे ले रहे हैं, तो वो ये कहते हैं कि आप भीख दे के कोई एहसान थोड़ी कर रहा हमारे ऊपर। ऐसे भी लोग मैंने देखा कि मांगने से मरना वाला मांगत के मरना बना, ये तो व्यवहार का नियम है, मांगने से मरना बना, मांगना स्वीकार नहीं होता। और एक आसान रास्ता, अभाव जो है किसी को स्वीकार नहीं होता, गरीबी किसी को स्वीकार नहीं होती है ना, ये समृद्धि ही स्वीकार होती। इसीलिए मैंने आपसे कहा था मानव लक्ष्य जो है वो समृद्धि है ना, अभाव नहीं है, गरीबी नहीं। तो जहाँ पे भी गरीबी होती है वो स्वीकार नहीं होती, गरीबी भी बौद्धिक और अभाव भी बौद्धिक और भौतिक होता है। जो बौद्धिक अभाव है वो मूलहीनता ही है, विश्वास की कमी, सम्मान की कमी, स्नेह की कमी, ममता वासन की कमी है ना, ये अभाव है। ये अभाव किसी को स्वीकार नहीं होता, ना मुझे होता है ना हम जिनके संबंध में रहते हैं उनको होता है। और कोई प्रश्न? कई सब परिश्रम से बचने के लिए भी मांगना शुरू कर देते हैं, जिनके सब कुछ हाथ पैर सब चीजें होती हैं, व्यवसाय बना लेते हैं सर, वो आसान रास्ता वही तो कह रहे हैं, किसी को अपना व्यवसाय मतलब बिजनेस बना लेते हैं। वो वहां पर भीख मांगना जो है ना वो मजबूरी नहीं है, वो समाज के प्रति विरोध का भाव होता है। भीख मांग के लूटना है समाज को, क्योंकि समाज में गलत तरीके से पैसा इकट्ठा किया हुआ है, उनको कैसे भी बेवकूफ इसकी गिरोह होते हैं, है ना। गिरोह का उद्देश्य ही नहीं होता पेट भरना, उनका उद्देश्य लोग अच्छे कामों में तो नहीं करते सर, उसका उनको लूटना है, है? कुछ नशा कर लेते हैं कुछ लोग, कुछ अच्छे काम के लिए भी करते हैं, कई लोग आपसे पेड़ पौधे के लिए पैसा मांग सकते हैं, वो पेड़ पौधे नहीं लगाते। हिंदुस्तान में प्लांटेशन कंपनियों के नाम से बहुत लूट हुई, लोगों से पैसा लिया कि हम कंजर्वेशन करेंगे, और हम आराम से। मैं ऐसी चार पांच कंपनियों को जानता हूँ जिन्होंने प्लांटेशन के नाम पे करोड़ों रुपए खर्चे, और उसमें भी जैसे एक नवभारत ग्रुप की कंपनी, नवभारत अखबार है ना, उन्होंने एक एनबी प्लांटेशन बनाया और समाज से पैसा लिया प्लांटेशन के नाम से कि हम पर्यावरण संरक्षण का काम करें, है ना। काम क्या किया उन्होंने एक तो नवभारत की बिल्डिंगें बना ली पूरे, उसमें दो हवाई जहाज खरीद लिए, फोर सीटर प्लेन खरीद लिए, प्रदूषण फैलाने का काम करते हैं। इसके बाद एक सीएलओ कार की एजेंसी ले ली दो राज्यों में, सीएलओ कार को उस समय सीएलओ आई थी, लंबी गाड़ी होती थी आप जानते हो, हाँ। इसके बाद उन्होंने क्या किया, जो पैसा बचा उससे नागपुर में कागज का कारखाना लगा दिया, अब कागज बनाना भी पर्यावरण को नुकसान करता है, तो पैसा जिस काम के लिए लिया उस काम में ना लगा के दूसरे काम में लगाया। एक मुंबई में एक कंपनी थी लिब्रा प्लांटेशन, उसने 400 करोड़ रुपए इकट्ठा किया, बाद में जब अटल बिहारी वाजपेयी उन दिनों प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने जाँच का आदेश दिया तो लिब्रा प्लांटेशन का ऑफिस ही नहीं मिला मुंबई, जीरो FIR दर्ज करना पड़ेगा, कौन लोग थे पता ही लगा, क्योंकि जब कंपनी में जाके देखा रिकॉर्ड में तो सब फर्जी एड्रेस मिले, कोई नाम ही नहीं है, कैसे निकालते रहे सब करते रहे सब खा रहे। ये तो एक प्रकार से अपराध है ना, वहाँ उनकी आवश्यकता भी नहीं है ना, वो समाज के लिए करना चाहते हैं, लूटना चाहते हैं। और लूटना क्यों होता है, क्योंकि हम ऐसा मान लेते हैं कि धन संग्रह से हम सुखी हो जाएंगे, संग्रह का तृप्ति बिंदु मिलता नहीं, जिन लोगों ने 1,000 करोड़ कर लिया है उनको लगता 5,000 हो जाए, जिनके पास 1,00,000 करोड़ उनको लगता 2,00,000 करोड़ हो जाए, किसी का तृप्ति बिंदु आज तक मिला नहीं। जब कुछ लोगों में जब समझदारी आती है फिर वो समाज के साथ शेयर करना शुरू करते हैं, उससे पहले नहीं आता, एक समय के बाद निरर्थक लग सकता है लोगों को, लगता नहीं संग्रह की प्रवृत्ति वाले लोगों को, क्योंकि जिसने धन से सुखी होने की कामना की है उसको धन निरर्थक कब लगेगा, कभी नहीं।
धन में सुख होता नहीं, सुख रिलेशनशिप में ही होता है। मैंने कई लोगों को ऐसा कहते सुना है कि जब साहब हम लोग पास कम पैसा था, हम लोग अच्छे से जीते थे, कि पैसा बढ़ गया तब से संबंध में दिक्कत आ गई। बहुत सारे परिवारों में मैंने ऐसा सुना, पहले जब हमारा पति कम कमाता था हम लोग आराम से जी रहे थे, अब उसकी आमदनी बढ़ गई है तब से दिक्कत हो गई।